नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाजी साहब, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपन टेक्सटाइल के मैनेजमेंट के बारे में। टेक्सटाइल मिल में मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, किसका क्या काम होता है, किसकी क्या सैलरी होती है, कौन से पद होते हैं। तो आप चित्र में देखते जाइए, मैंने चार्ट बनाया हुआ है, समझते जाइएगा। अभी मैं जो बात करूंगा, जिस सिस्टम की बात करूंगा टेक्सटाइल में, वो बड़ी मिल की बात करूंगा, जो ब्रांडेड मिल होती हैं उनके मैनेजमेंट की बात करूंगा कि उनका क्या कैसे मैनेजमेंट होता है और वो कैसे मिल रन कराते हैं। तो जो सबसे ऊपर पद पे होता है वो होता है बीपी, जिसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये बीपी होते हैं और इनकी सैलरी की अगर बात की जाए तो इनको 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति महीने मिलता है। ठीक है, बीपी को 2 से 5 लाख मिलता है। अब बीपी के नीचे 3 पोस्ट होती है। ठीक है, बीपी सबसे ऊंचे लेवल की पोस्ट हो गई है और बीपी 3 लोगों को हैंडल करता है। ठीक है ना, तो 3 लोगों में अपन बात करें तो तीनों लोगों में एक तो FM, एक GM और एक SO। FM का फुल फॉर्म हो गया फैक्ट्री मैनेजर। एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर होता है और एक होता है सिक्योरिटी ऑफिसर। SO का मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं FM की। तो FM होता है फैक्ट्री मैनेजर, जो फैक्ट्री में एक्टिविटी जो करना है, मतलब जो फ्लोर वाली चीज़ें नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटिव चीज़ें नहीं, जो कंपनी में एक्टिविटी करना है, जो जैसे कि कॉलोनी में कंपनी में कॉलोनी बनी है तो उसको देख रेख से लेके कंपनी में किसी भी प्रकार के मेडिकल सुविधा है या जो भी चीज़ें हैं, PF की सुविधा, ये सब का काम जो करवाना है वो FM के अंडर में आता है, HR FM के अंडर में आता है। तो जो FM होते हैं, फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, उनकी पेमेंट जो होती है वो 60,000 से 80,000 प्रति महीने इनको मिलता है। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर 3 डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें अटेंडेंस लगाई जाती है, वर्कर हो या स्टाफ हो। ठीक है, ये पूरा टाइम ऑफिस संभालता है अटेंडेंस को। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो होता है HR का। तो जो HR का डिपार्टमेंट होता है वो जो जितने भी एम्प्लॉय है उनसे कम्युनिकेशन करने का काम है, उनकी सैलरी से रिलेटिव काम जो है वो HR डिपार्टमेंट देखता है। और लास्ट में आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट लगभग सेम है ना। तो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जैसे कि कोई सी मशीन बुलवाना है, कोई सी मशीन ख़राब हो गई है तो उसका पुर्जा बुलवाना है, तो कितना क्या पैसा लगेगा, कहाँ से बुलवाना है, ये पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पैसों का लेन देन जितना भी है कंपनी का वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है। तो फैक्ट्री मैनेजर इन 3 डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, टाइम ऑफिस, HR और अकाउंट्स को। ठीक है, जो टाइम ऑफिस, HR और अकाउंट्स के जो लोग होते हैं जितने भी, उनकी जो पेमेंट होती है वो समथिंग 20,000 से 50,000 तक लास्ट पेमेंट होती है। क्योंकि जो टाइम ऑफिस, HR या अकाउंट्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो टेक्निकल नहीं होते, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, कोई BSc वाला, BCom वाले, इस टाइप के CA, इस टाइप के होते हैं। तो अगर अच्छा पद है, CA टाइप के लोग हैं, तो उनको तो अच्छा मिलेगा पैसा, 50,000, 60,000, 70,000 भी मिल जाएगा, है ना। बाकी ग्रेजुएशन वाले होते हैं। इसके बाद अब दूसरे अपन बात करें FMG के बाद, दूसरा नंबर आता है GM का। GM का फुल फॉर्म हो गया जनरल मैनेजर। अब इनका अपन सिक्वेंस देखते हैं कि ये कैसे कैसे हैंडल करते हैं। बीपी 3 लोगों को हैंडल करता है, FM, GM, SO को। अब अपन GM की बात कर रहे हैं, तो जनरल मैनेजर हैंडल करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, PM बोलते हैं जिसको कंपनी में, PM मतलब प्रोडक्शन मैनेजर। तो पहले जो GM है, वो GM की पेमेंट होती है 80,000 से 1 लाख रुपये तक। जो टेक्निकल होते हैं, जो टेक्सटाइल वाले ही होते हैं, बीटेक भी हो सकते हैं, डिप्लोमा भी हो सकते हैं, इनका एजुकेशन की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये हैंडल करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को। ये प्रोडक्शन जो मैनेजर होते हैं उनकी पेमेंट होती है 40,000 से 60,000 रुपये प्रति महीने की। ठीक है, तो
तो जितनी भी हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यदि स्पिनिंग प्लांट है या वीविंग प्लांट है या प्रोसेसिंग प्लांट है, जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जीएम इनको हैंडल करता है ना, कि कितना मटेरियल बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये पूरा क्वालिटी सही है कि नहीं, ये पूरा जीएम इनको देखता है और रिपोर्ट लेता है। उसके बाद होता है प्रोडक्शन मैनेजर, मटेरियल कैसे बनवाना है, किस किस मशीन पर मटेरियल चलेगा, इसको प्रोडक्शन मैनेजर हैंडल करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर जो काम करता है वो प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की जो पेमेंट है वो 30,000 से 50,000 रुपये प्रति महीने होती है। असिस्टेंट मैनेजर का भी वही काम है कि जो प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजर करके देता है कि इस मशीन पे ये काउंट चलाना है, उसके बाद ये काउंट चेंज करना है, तो ये पूरा काम करवाना असिस्टेंट मैनेजर के हाथ में होता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें इंक्लूड मेंटेनेंस वाले भी होते हैं जो जीएम के अंडर में ही आते हैं, मेंटेनेंस वाले भी, ठीक है। मशीन में काउंट चेंज करवाना है, मशीन ख़राब हो गई है, तो ये पूरा मेंटेनेंस वाले देखते हैं जो जीएम के अंडर में ही आते हैं। तो अभी अपन जीएम के अंडर में आते हैं पीएम, पीएम के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सीनियर ऑफिसर। जो सीनियर ऑफिसर प्रोडक्शन से रिलेटिव काम देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटिव काम देखते हैं, ठीक है। सीनियर ऑफिसर की जो पेमेंट की बात की जाए वो 35,000 से 45,000 रुपये प्रति महीने होती है, जो भी टेक्सटाइल वाले होते हैं। बाय चांस कोई हो सकता है जो नॉन टेक्निकल हो, लेकिन नॉन टेक्निकल उनको रखते हैं बड़े पद पे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस में सीनियर होते हैं। तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइज करता है और काम बताता है कि कैसे कैसे काम करना है, रिपोर्ट से लेकर हर चीज़। अब सीनियर जो ऑफिसर है वो उनके काम करवाने की जिम्मेदारी होती है सुपरवाइज़र से। सुपरवाइज़र ऐसा पद है जो फ्लोर पे उपस्थित होता है उस समय, ठीक है। फ्लोर पे ना प्रोडक्शन मैनेजर रहता है, ना असिस्टेंट मैनेजर रहता है। सीनियर ऑफिसर के पास भी काफ़ी काम होता है, फ्लोर भी देखना रहता है उसको, क्वालिटी भी मेंटेन करनी रहती है, मिक्सिंग से लेकर सब कुछ देखना रहता है। तो सीनियर मैनेजर जो सीनियर ऑफिसर है वो भी फ्लोर पे इतना नहीं रह पाता, लेकिन सुपरवाइज़र का जो काम है वो फ्लोर का काम है। उसको फ्लोर पे खड़े होके जो जो निर्देश ऊपर से आते हैं वो फॉलो करवाना सुपरवाइज़र का काम होता है। और सुपरवाइज़र का जो पेमेंट होता है टेक्सटाइल मिल में वो 15,000 से 25,000 तक होता है। इन सुपरवाइज़र के नीचे आते हैं वर्कर, ठीक है। तब वर्कर मशीन को ऑपरेट करते हैं, वर्कर हाउस कीपिंग करते हैं, वर्कर पूरा खाते का जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसका काम वर्कर देखते हैं। इनकी जो पेमेंट की बात की जाए वर्कर की, तो वो 6,000 से 8,000 रुपये प्रति महीने होती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया बीपी से लेके बीपी, जीएम, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइज़र और वर्कर्स, ठीक है। अब अपन चार्ट की बात करेंगे। बीपी के नीचे एफएम, जीएम की बात हो गई है, एफएम की बात हो गई है, अब एसओ की बात करेंगे। तो एसओ होता है सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। तो जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं कंपनी में सिक्योरिटी देने के लिए, उनको पूरे को हैंडल करने का जो काम होता है वो एसओ का होता है, है ना। फायर जैसे कंपनी में फायर की ट्रेनिंग करवाना है, या जो भी इनकी भी कल्चर जो एक्टिविटी करवाना रहता है वो जो अपना सिक्योरिटी ऑफिसर करवाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पेमेंट की अगर बात की जाए तो वो 40,000 से 60,000 रुपये प्रति महीने होती है। और उनके नीचे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, सिक्योरिटी वाले जो होते हैं, काफ़ी इनकी भी बड़ी टीम होती है, क्योंकि बड़ी कंपनी रहती है तो काफ़ी सिक्योरिटी वालों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं उनकी पेमेंट होती है 10,000 से 25,000 रुपये प्रति महीने, ठीक है। जो बड़ी कंपनी बड़े मैनेजमेंट की बात करी है, आप बड़े मैनेजमेंट में अगर जॉब करने जाओगे तो आपको सेम की सेम ऐसा ही मैनेजमेंट मिलने वाला है और इसी प्रकार से काम होता है। एक चीज़ और, अगर आप छोटी कंपनी में बात करते हैं, अपन छोटी कंपनी में यदि अपन मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे ऊपर जीएम के ऊपर होते हैं मेन मालिक, वो कंपनी में आते जाते रहते हैं। बड़ी कंपनी में मालिक आते जाते नहीं रहते, बहुत मुश्किल से आते हैं। तो बीपी जो होता है वो डायरेक्ट लिंक में होता है, वो डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से, या फिर अगर कंपनी का मालिक है तो उनसे ही बात करते हैं बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनियों में मालिक होते हैं, मालिक के नीचे जीएम होते हैं, जीएम के नीचे पीएम होते हैं, पीएम के नीचे सुपरवाइज़र होते हैं, देन वर्कर होते हैं। छोटी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत छोटा होता है और इस प्रकार से वो काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको
कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से सीखने को भी मिला है, देखने को भी मिला है, किसका क्या काम है, किसकी क्या पोस्ट है, किस प्रकार से सैलरी मिलती है, ये आपको पता चल गया होगा। धन्यवाद, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।